जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना सूरज रे जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए तू जल जल के यहाँ किरने लुटा रे लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में सूरज रे जलते रहना सूरज रे जलते रहना जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना सूरज रे जलते महातेजस्वी सत्य शिरोमणि प्रजापरायण परस्य भंजन जनमन रंजन दानवीर धर्मवीर कर्मवीर गौ ब्राह्मण रक्षक राजराजेश्वर महामहेश्वर महाराजाधिराज हरिश्चंद्र राज्यसभा सुशोभित कर रहे हैं महर्षि विशिष्ट को हरिश्चंद्र का प्रणाम स्वीकार हो आयुष्मान जय सूर्यदेव महामंत्री अभियोग सुनाए जाएं। महाराज की जय हो आज के प्रसंग में दो औरतें हैं और एक बच्चा ये दोनों सौगंध खाकर इस बालक को अपनी अपनी कोख से जन्मा हुआ प्रमाणित करती हैं परंतु बालक दोनों का नहीं हो सकता इसलिए न्याय चाहती हैं महाराज ये मेरा बेटा है ये मेरा बेटा है महाराज मैं इसकी माँ हूँ अवश्य दोनों में से एक ने झूठी सौगंध खाई है महारानी आज्ञा महाराज आप अयोध्या की महारानी भी है और एक पुत्र की माता भी न्याय और ममता पर आपको समान अधिकार है हम चाहते हैं अभियोग की ये चिकनी गांठ आप ही के हाथों से सुलझे सेनापति आज्ञा महारानी खड़क के वार से इस बालक के दो टुकड़े कर दिए जाएं और इन दोनों माताओं में बांट दिए जाएं महारानी आज्ञा का पालन हो सेनापति क्षमा महारानी दंड अपराधी को दिया जाए बालक को नहीं हम अपराधी को दंड दे रहे हैं इस निरपराध बच्चे के रक्त से होली खेलना न्याय नहीं है महारानी न्याय अन्याय की परिभाषा क्या हमको तुमसे सीखनी होगी सेनापति तलवार म्यान से बाहर हो नहीं महारानी ये अधर्म है अनर्थ है हम उस वृक्ष की जड़ ही काट देना चाहते हैं जिसमें विषैली शाखाएं फूट रही हैं हम स्वयं अपराधी को दंड देंगे
मेरी बोटिया नोच लो, किंतु इसे मत मारो। ये मेरा बेटा नहीं है, इसी का बच्चा, इसी को दे दो महारानी, इसी को दे दो। खड़क की नोक से मेरा हिट्टा चीर डालो, लेकिन इस बालिक को मत मारो। महारानी तुम की एक माँ हो, ममता मैं हो, दया करो महारानी, दया करो। न्याय हो गया न्याय देवता। ये बालक किसी की कोख का रत्न है जिसकी ममता चीख चीख कर पुकार रही थी, जो अपने पुत्र कांत देखने से पहले मुरझा कर बेहोश हो गई, जो माँ होकर भी निपुति बनी, कलंकनी बनी, अपराधिनी बनी, केवल इसलिए कि उसके बच्चे की हत्या ना हो। अवश्य ही बच्चा इसी का है। हम महारानी के निर्णय पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए आज्ञा देते हैं कि बालक अपनी असली माता के अधिकार में दे दिया जाए। हम तुम्हें क्या दंड दे हमारी समझ में नहीं आता। तुमने एक माँ की ममता भरी कोख में कटार मारी, उसके अंधेरे घर के टिमटिमाते हुए दीपक पर डाका डाला, राज्यसभा की आंखों में धूल झोंकी और नारी जाति के मुंह पर तमाचा मारा। महारानी, इसके दंड की व्यवस्था भी आप ही करें। जो आज्ञा महाराज। रोहित। आज्ञा माँ। वहां जाओ और इस निपुति को उस समय तक मामा कहकर पुकारते रहो जब तक माँ की टंकार से इसके कान शून्य ना हो जाए। न्याय से आपकी परंपरा कलंकित तो नहीं हुई? विभूषित हुई। तुम यथा नामा तथा गुणा हो, तारा ने तारे जड़ दिए हमारे न्याय में। विराजो महामंत्री, इस भूखी आत्मा के लिए एक धर्मपुत्र की व्यवस्था की जाए ताकि इसके मन मंदिर में जलने वाली ममता की ज्योति सदा प्रज्वलित रहे। रक्षा कीजिए। यहाँ तुम सुरक्षित हो देवी, क्या कहना चाहती हो, कौन हो तुम? बंग देश के अभागन सुंदरी चंद्रमणि। चंद्रमणि, क्या तुम वही सुंदरी हो जिसके रूप की चमक हिमालय की चोटियों से कन्याकुमारी के किनारों तक फैली हुई है? हाँ महाराज, मैं वही भाग्यहीना चंद्रमणि जिसके नक्षक में विधाता ने सुंदरता का सागर भर दिया हो। वो भाग्यहीना कैसे? मेरा रूप मुझे दुर्भाग्य की मार से नहीं बचा सका, बंग देश से प्राण बचाकर आपकी शरण आई। अयोध्या का पवन तुम्हारा पहरेदार है, कहो किसने सताया है तुम्हें? एक लालची पिता ने और एक दुराचारी राजा ने। एक दिन हमारा माल से भरा जहाज समुद्र में डूब गया और हम कंगाल हो गए। मेरे पिता फिर से व्यापार करना चाहते थे, उन्हें चाहिए था धन और राजा नंदपाल को चाहिए था रूप। ये लो सुंदरी का मूल्य। मुझे क्षमा करना बेटी, मैं लाचार था। कौन है जो तुम्हारे रूप की मदरा पीकर मतवाला ना हो जाए? औरत की इज्जत से खेलना महापाप है। पाप और पुण्य की बकवास भगवान के दरबार में होती है, अनंग पाल के रंग महल में नहीं। छोड़ दे नीच पापी। सैनिकों पकड़ो इसे, जाने न पाए। अपने ही रूप की मारी घबराई हुई हिरनी की तरह चंद्रमणि आपकी शरण आई है।
आशा दीजिए पृथ्वीनाथ, मेरी रक्षा कीजिए। हम तुम्हें अभय दान देते हैं। आज से तुम योद्धापति हरिश्चंद्र की बहन हुई। आओ आओ, अपने भाई को राखी बांधो। इतनी सी बात और इतना उत्पात, क्या केवल इसलिए कि रोहित राजपुत्र है? देखिए ना पिताजी, शेर के बच्चे को कांटों से डरा रहे हैं ये लोग। उन तो तीखे तीरों को भी छाती में झेल सकते हैं। हम आपके बेटे हैं। हाँ मेरे लाल, तुझे तो अपने पिता से भी अधिक प्रतापी होना है। ये गाल आपका है, यहाँ आप लीजिए। मेरा राजा बेटा, देखो स्वामी, अभी से न्याय तो इसकी नस-नस में भरा है। तो एक न्याय और करो पुत्र, बताओ माता बड़ी या पिता? बताए बताओ बताए पिताजी। बताओ बेटे। ना माँ बड़ी ना पिता, सबसे बड़ा बेटा। इसी माँ की ममता और पिता का प्यार दोनों ही मिलते हैं। मेरा राजा बेटा। महाराज की जय हो। अनंगपाल का दूत आपके दर्शन करना चाहता है। कहो राजदूत, क्या संदेश लाए हो? अनंगपाल ने आपकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है। हरिश्चंद्र का द्वार मित्रता के लिए सदा खुला है, किंतु आपकी मित्रता में अवश्य कोई रहस्य है। रहस्य स्पष्ट है राजन, चंद्रमणि लौटा दी जाए। असंभव। हमने तो सोचा था कि तुम्हारे महाराज ने चंद्रमणि के साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी होगी। अनंगपाल क्षमा मांगना नहीं जानता महाराज। हरिश्चंद्र शरणागत को लौटाना नहीं जानता। यह न्याय है महाराज, चंद्रमणि अनंगपाल की खरीदी हुई दासी है, उसकी निजी संपत्ति है। दूत, चंद्रमणि कोई पत्थरमणि नहीं है जिसे खरीदा बेचा जा सके। वह हमारे परिवार की हृदय मणि है, अयोध्या के जन जन की प्राण मणि है, राजमहल का प्रकाश और हरिश्चंद्र की मुकुट मणि है। उसे लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि चंद्रमणि नहीं लौटाई गई, तो आपका परम चक्रवर्ती बनने का स्वप्न धूल में मिल सकता है। अनंगपाल को बाध्य होकर आपका अश्वमेध घोड़ा रोक देना पड़ेगा। अश्वमेध का घोड़ा हमारी बहन के सम्मान से बड़ा नहीं है दूत। एक छोटी सी बात के लिए इतना भयंकर युद्ध? तुम्हारे लिए एक छोटी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी। ये सूर्यवंश की परंपरा है कि एक भाई अपनी बहन के लिए सर कटाने में भी सौभाग्य माने। क्या यही आपका अंतिम उत्तर है? हाँ। धन्यवाद। महाबली अनंतपाल की जय हो। जय उत्तर लेकर आए हो। हरिश्चंद्र ने आपका प्रस्ताव ठुकरा दिया, वे युद्ध के लिए तैयार है। गुरुदेव क्या आज्ञा? उसका ये साहस? वशिष्ठ का शिष्य है तो अनंतपाल भी विश्वामित्र का शिष्य है। तुम कौन थे उनसे निर्बल हो? हम भी तैयार हैं, हो जाओ युद्ध के लिए तैयार। नारायण नारायण, क्या काल को निमंत्रण दे रहे हैं ऋषिराज? ऋषिराज नहीं, ब्रह्म ऋषि कहो नारद। काल हो या महाकाल, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपका तो क्या बिगड़ेगा, लेकिन बेचारा अनंतपाल हाथी के पैर तरह कुचला जाएगा। कहां राजा हरिश्चंद्र और कहां शुद्र अनंतपाल? ये हरिश्चंद्र और अनंतपाल का युद्ध नहीं है नारद, ये वशिष्ठ और विश्वामित्र की टक्कर है। टक्कर किसी की और मृत्यु किसी की? और फिर वशिष्ठ ने आपका बिगाड़ा है क्या? वशिष्ठ हमारा पुराना शत्रु है नारद। हम त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग पहुंचाना चाहते थे, किंतु हमारे बीच में उसने बाधा डाली और आज भी वो त्रिशंकु बेचारा पृथ्वी और आकाश के बीच में लटक रहा है। तो क्या उस हार से संतोष नहीं हुआ जो और युद्ध मोल ले रहे हो? और दो गुरुओं के बीच में बेचारे चेलों को क्यों घसीटते हो? चुप रहो नारद, तुम युद्ध का संग फूंकना क्या जानो? हरिश्चंद्र की हार में ही वशिष्ठ की हार है। सेनापति, ये की काभिमानी घोड़ा रोक लिया जाए।
अवश्य रोक लिया जाए। जो आज्ञा महाराज। नारायण नारायण। महाबली अनंतपाल की जय। महाबली अनंतपाल की जय। महाराज हरिश्चंद्र की जय। महारानी तारामती की जय। चंद्र के प्राण घातिक तीरों ने बंगदेश की सेना को गाजर बूंदी की तरह काट गिराया। महाबली अनंतपाल पहली बार जीवन में हारा। अपमान से फूट आपने कारण देती है। अपमान तो हमारा हुआ है अनंतपाल, ये तुम्हारी हार नहीं विश्वामित्र की हार है। मनुष्य जिसने हमारा सिंहासन छीनने की धृष्टता की है। हरिश्चंद्र, ये सब हरिश्चंद्र का चमत्कार। हरिश्चंद्र, उसे इतना अभिमान, ये कैसे? ये अपने अतिथि वशिष्ठ से पूछिए, जो उसके गुरु हैं। अपने शिष्य हरिश्चंद्र को इंद्रासन दिलाकर स्वयं स्वर्ग का सुख भोगना चाहते हैं। हरिश्चंद्र को इंद्रासन का लोभ नहीं है विश्वामित्र। तो फिर महायज्ञों का प्रयोजन? पृथ्वी लोक की भलाई, जन कल्याण। जन कल्याण की आड़ लेकर आप स्वर्ग को हड़पने के षड्यंत्र को नहीं छुपा सकते वशिष्ठ। आप और हम देवलोक तक आवागमन भले ही कर लें, परंतु झूठ को सच में नहीं बदल सकते। आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। हरिश्चंद्र का दान और सत्य तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र का नाम है षट दर्शन, और षट दर्शन का नाम है हरिश्चंद्र।
हरिश्चंद्र के हर अक्षर का अर्थ बदल दूंगा। है से हत, री से रिक्त, सह से शून्य, जय से चांडाल, नी से निकृष्ट और दय से दरिद्र बना दूंगा। नारायण नारायण, तब तो आप विधि का विधान बदल देंगे ऋषिराज। ऋषिराज नहीं, ब्रह्म ऋषि कहो नारद। नई सृष्टि बनाने वाले को विधि का विधान बदलते कितना समय लगेगा? नई वस्तु बनाना और बात है, पुरानी से टकराना और बात है। नारद, क्या हमारा तपोबल कुछ भी नहीं? तू नहीं, क्या हरिश्चंद्र पुण्यात्मा होते हुए भी संतोषी नहीं? क्यों नहीं? क्या सहस्र राशि यज्ञों का प्रयोजन इंद्रासन की प्राप्ति नहीं? क्यों नहीं? क्या हरिश्चंद्र इंद्रासन के तुच्छ लोक से मुक्त नहीं है? अवश्य है, आपको देवलोक की रक्षा करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। आपको सत्य का पक्ष लेना चाहिए, अवश्य लेना चाहिए। अवश्य अवश्य, दोनों तरफ। हाँ, आप हरिश्चंद्र से मिले हुए हैं, अवश्य उसका पक्ष कौन नहीं लेगा, सत्य सत्य ही रहेगा, आप उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। विश्वामित्र को चुनौती दे रहे हो नारद? अवश्य। तो सुन लो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, हरिश्चंद्र के सत्य को मिथ्या प्रमाणित करके रहूंगा। यदि आप न कर सके तो मैं अपनी 60,000 वर्षों की तपस्या से अर्जित समस्त पुण्य हरिश्चंद्र की झोली में डाल दूंगा। स्वीकार है, किंतु आपको वचन देना होगा कि आप बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम वचन देते हैं। तो फिर निश्चित समझिए, हरिश्चंद्र विश्वामित्र की भयंकर क्रोधाग्नि में तिनकी की तरह जलकर भस्म हो जाएगा। नारायण नारायण, क्रोधी स्वभाव न कभी बदला है न बदलेगा। हृदय में ही जिसके दुष्टता हो, वहां हो कैसे मन की शुद्धि। किसी कवि ने सच कहा है, विनाशकारे विपरीत बुद्धि। हमने ये प्रतिज्ञा अपने लिए नहीं की है, आपके लिए की है, आपके सिंहासन की सुरक्षा के लिए की। मैं तो सदा आप ही का दास हूँ। हरिश्चंद्र को डिगाने के लिए हमारे देवता, राक्षस, वरुण, पवन, अप्सराएं सब आपकी सेवा में तत्पर हैं। तब फिर आपका सिंहासन सुरक्षित समझिए। आज से हमारा चमत्कार देखिए। Baby.
सुंदर, अति सुंदर। कौन महाराज? मैं? झंकार में डूबे हुए तुम्हारे ये कोमल चरण और सातों सुरों के निचोड़ से अनुरंजित तुम्हारा स्वर माधुरी निसंदेह अद्भुत अलौकिक। महाराज हरिश्चंद्र के श्री मुख से ये वचन सुनकर नर्तकी धन्य हुई, परंतु महाराज केवल मुख की प्रशंसा से क्या होगा? तुम्हें उचित पुरस्कार मिलेगा। तुम्हारे अधिकार की कोई भी वस्तु मांगो। मांगू महाराज? अवश्य। तब आप इस दासी को अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें। भद्रे, ये सौभाग्य तो महारानी तारामति की भेंट चढ़ा चुके हैं, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। कोई और वस्तु मांगो। महाराज, इसका क्या प्रमाण कि मैं कुछ और मांगू और वो भी आप ठुकराना दें? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारे अधिकार की वस्तु मांगो, अवश्य मिलेगी। तब फिर मुझे अयोध्या का राज दान कर दीजिए महाराज। नर्तकी, मर्यादा उल्लंघन की धृष्टता न करो। हरिश्चंद्र, ब्रह्म ऋषि को दास का प्रणाम। हम तेरा प्रणाम अस्वीकार करते हैं। अरे दम्भी पाखंडी, तूने इस नर्तकी से मन बहलाया और पुरस्कार देने के समय अंगूठा दिखा दिया। क्षमा करे महाराज, दान सुपात्र को दिया जाता है, उपात्र को नहीं। एक नर्तकी अंग संचालन कर सकती है, राज्य संचालन नहीं। तू सत्पात्र को दान अवश्य देगा, इसका प्रमाण? हरिश्चंद्र का वचन, अन्यथा विश्वामित्र का श्राप। तो सुन, मैंने अपने 60,000 वर्षों की तपस्या से सिद्धि और बुद्धि दोनों प्राप्त की है, क्या मैं सुपात्र नहीं? अवश्य है ऋषिराज। तो फिर मुझे दे दे राज्य दान। जल दीजिए प्रभु। ये ले। इस घड़ी और इस पल से हरिश्चंद्र तारामती ने अपना संपूर्ण राज्य ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को दान दिया। मंत्री सेनापति कोषाध्यक्ष बुलाए जाएं। जो आज्ञा। अयोध्यापति? अयोध्यापति नहीं, केवल तुम्हारे पति रह गए हम। राजेश्वर? राज्य ही नहीं रहा तो राजेश्वर कैसे? हमने स्वप्न में अपना राज्य विश्वामित्र को दान दे दिया। तुम दुखी तो नहीं हुई? दुख तो हुआ है ना, किंतु इस बात का कि सभी पुण्य कार्यों में पत्नी को साथ रखने वाले महादानी हरिश्चंद्र ने राज्य दान देते समय हमें को विसराया। विसराया नहीं प्रिय, दान देते समय हमने तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया था। दान हरिश्चंद्र ने नहीं, हरिश्चंद्र तारामती ने दिया है। जहाँ धूप वहाँ छाया, जहाँ प्राण वहाँ काया। महाराज की जय हो। महाराज हम नहीं, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र है। प्रभात से पहले राज्य चिन्ह बदल दिए जाए, स्वर्ण मुद्राओं में महाराज अधिराज विश्वामित्र का नाम अंकित कर दिया जाए और समस्त राजाओं को सूचना भेज दी जाए कि हरिश्चंद्र ने अपना संपूर्ण राज्य दान दे दिया। परंतु कब महाराज? स्वप्न में। स्वप्न तो केवल कल्पना है महाराज, स्वप्न में दिया हुआ दान सत्य कैसे हो सकता है? स्वप्न हो या सत्य, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, हरिश्चंद्र का दिया हुआ दान दान ही रहेगा। महामंत्री, संसार भी तो वास्तव में एक स्वप्न ही है। अंतर केवल इतना है, एक हम खुली आंखों से देखते हैं और दूसरा बंद आंखों से। अन जाए पर वचन न जाए, अटल ये जिनकी बानी, इतिहासों में सदा रहेगी
उनकी अमिट निशानी। प्रणाम यद्यपत। हो चुका प्रणाम। हम पूछते हैं राज्य दान देने के पश्चात भी तुम हमारी राज्य सभा में नाकुंडली लगाए क्यों बैठे हो? हम माफी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपनी धरोहर संभाल कर हमें बंधन मुक्त कीजिए। हरिश्चंद्र, अधूरा दान देकर हमें भुलाव में डालने की कुचेष्टा न करो। अधूरा दान वो कैसे महाराज? दान तो दिया परंतु दक्षिणा कहाँ है? भूल हुई महाराज, आज्ञा कीजिए क्या प्रस्तुत करूं। दक्षिणा की 1000 स्वर्ण मुद्राएं चुकाकर संकल्प पूरा करो। कोषाध्यक्ष, स्वीकार कीजिए मुनिराज, दक्षिणा ग्रहण कीजिए। वाह, हमारे कोष में से हामी को दक्षिणा। हरिश्चंद्र, तू महाधूत निकला। देखा आप लोगों ने, हमारे कोष में से हामी को दक्षिणा दे रहा है। जब सारा राज्य इसने दान कर दिया तो राज्य की मुद्राओं पर इसका क्या अधिकार रहा? हरिश्चंद्र, यदि वचन निभाने की सामर्थ्य नहीं थी तो दान दिया ही क्यों था? क्षमा कीजिए महाराज, हमसे भूल हुई। तो जाओ, अपना कलंकित मुंह लेकर हमारी सीमा से बाहर चले जाओ, यही तुम्हारा दंड है। जो आज्ञा। ठहरो, जाने से पहले ये तो बताते जाओ कि हमारी दक्षिणा का क्या प्रबंध किया तुमने? कृपा करके हमें कुछ अवकाश दीजिए। क्या दान देते समय अवकाश की शर्त डाली गई थी? फिर भी हम तुम्हारी दुर्दशा पर दया करके 1 माह की अवधि देते हैं। दीन हरिश्चंद्र आपका उपकार कभी नहीं भूलेगा। और यदि इस अवधि की दक्षिणा न दे सका तो नष्ट हो जाएगी हमारी मर्यादा। हरिश्चंद्र सत्यवादी के नाम से पुकारा जाएगा और सूर्यवंश की शोभा विधवा की तरह अनाथ हो जाएगी। निश्चय ही अनाथ हो जाएगी। तेरा भविष्य हमारे नेत्रों के सामने नृत्य कर रहा है। जाओ। तो सुन, यह राजकीय वस्त्र और आभूषण उतार कर जाना। कहीं झूठे अभिमान की रक्षा के लिए तू इन्हें बेचकर दक्षिणा न चुका दे। हरिश्चंद्र तू धन्य जगत में, तू लाखों में एक। मुख से निकला वचन निभाया, रखी धर्म की टेक। कौन है आप? राज्य लक्ष्मी, आपने मेरा परित्याग किया है इसलिए विदा लेती हूँ। आप कौन है? भाग्य लक्ष्मी, जहाँ राज्य लक्ष्मी नहीं रही वहाँ भाग्य लक्ष्मी भी नहीं रह सकती। आप कौन है? धन्य लक्ष्मी, जहाँ भाग्य लक्ष्मी साथ नहीं देती वहाँ मैं भी नहीं रहती। आप कौन है? धर्म, मैं आपके साथ रहूंगा जब तक आप सत्य नहीं छोड़ेंगे, मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। धन्य हो धर्मराज, धन्य हो। कहिए नाथ, ये भेष कैसा? अपने पति जैसा। आप ही ने तो कहा था जहाँ धूप वहाँ छाया। नहीं तारा, कांटों के साथ फूल क्यों जलाया जाए? लू की गर्म लपटें तुम्हारा तन झुलसा देंगी, उस सर्दी के प्रकोप से कोमल अंग ठिठुर जाएंगे और जंगल के तीखे कांटे चुप चुप कर रक्त की नदियाँ बहा देंगे। लू की लपटे मन की शांति में खो जाएंगी नाथ। शीत का प्रकोप कर्तव्य की उष्णता से पिघल जाएगा और कांटों से निकला हुआ रक्त पतिव्रता के पांव की मेहंदी बनकर मुस्कुराएगा।
नहीं तारा, नहीं, हम तुम्हें मिथिला भेज रहे हैं, तुम्हारे पिता के पास। क्षमा कीजिए स्वामी, आज मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगी। तारा ने आपके साथ सुख का सवेरा देखा है तो दुख की सांझ भी आपके साथ ही काटेगी। पिताजी, माँ आपकी आज्ञा नहीं मानती तो हम मानेंगे, माँ अपने पिता के यहाँ नहीं जाती तो हम अपने पिता के साथ चलेंगे। चलिए पिताजी। नहीं बेटे, तुम्हारे लिए रथ तैयार है, तुम अपने मामा के यहाँ जाओगे। पिता हमारे पैदल जाए और हम रथ की सवारी करें, धिक्कार ऐसे पुत्र, हम आपके साथ चलेंगे। ना छोड़े ना, आपको अपनी तारा की सौगंध। तारा, आपको अपने सूर्य वंश की सौगंध। रोहित, उठो उठो तारा, आओ रोहित। राज सिंहासन महल अटारी, रथ हाथी और घोड़े, मुकुट रत्न और माल खजाना, पल भर में सब छोड़े। हम आपको नहीं जाने देंगे, हम अपने प्राण दे देंगे। हमारा न्याय कौन करेगा? हम आपको नहीं जाने देंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे। शान शान, हम किसी और को राजा नहीं मानेंगे, हम दाढ़ी वाले के राज में नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। हरिश्चंद्र, क्या इसी अपमान के लिए तुमने हमें राजमुकुट सौंपा था? प्रजा में विद्रोह की आग भड़काकर तुम हमारा मान सम्मान नष्ट करना चाहते हो? कदापि नहीं राजन। प्यारे प्रजाजनों, आपके वियोग से हमारा भी हृदय फट रहा है, किंतु इसका ये अर्थ तो नहीं है कि आप अयोध्या की प्रतिष्ठा पर कलंक का टीका लगाएं। राजा विश्वामित्र का अपमान हमारा अपमान है। अब हमें आज्ञा दी। कोई भूल हुई महाराज? भयंकर भूल। सत्यवादी हरिश्चंद्र, देखो तो अपनी पत्नी के गले में क्या। ये तो मंगलसूत्र है महाराज। क्या ये हमारे राज्य का आभूषण नहीं? ये मेरा सौभाग्य चिन्ह है। ये तुम्हारा दुर्भाग्य चिन्ह है। चोरी चोरी हमारी वस्तु ले जाना, क्या यही तुम्हारा धर्म है? तारा, जब सौभाग्य तुम्हारे साथ तो सौभाग्य चिन्ह का मुख क्यों? राजा की धरोहर उन्हें सौंप कर पाप की मुक्त हो जा। नहीं स्वामी, नहीं, कोई भी पत्नी अपना मंगलसूत्र नहीं उतारेगी। स्त्री के लिए सुहाग से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। ब्रह्मऋषि, आपने राज मुकुट मांगा था, एक पतिव्रता का सिंदूर नहीं। जो हरिश्चंद्र, हमने क्या मांगा था और क्या नहीं, ये क्या हमें तुम्हारी स्त्री से सीखना होगा? कदापि नहीं प्रभु। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे,
भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरने लुटारे, लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में, सूरज रे जल में रहना, सूरज रे जलते रहना। ये संकट तू खुशी के साथ सह लेना, सदा हंसते हुए तपना अगन में, किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में, तू जल रे परवान कर प्राण की, ये भी एक लीला है भगवान की, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा, अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा, जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना, जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते मुद्राए। भगवान आपने तो दस कहा था। मुझे क्या मालूम था कि तुम कछुए कैसी चाल चलोगे, समय जूना लिया है तो मजदूरी आधी मिलेगी। जा भाई जा, अपना रास्ता नाप। हेलो, है कोई माई का लाल जिस पहलवान से कुश्ती जीत सके? 20 मुद्रा इनाम, 20 मुद्रा, 20 मुद्रा, 20 मुद्रा, 20 मुद्रा, 20 मुद्रा इनाम, 20 मुद्रा। कोई नहीं, ले बेटा ये मुद्राएं तुझे दी जाती हैं। हाँ। अरे तू लाएगा? शेर के सामने किधर? जाओ बेटा। Thank you.
ये लो अपना पुरस्कार। जी ओह, पशु गहन का राम की मुद्रा लेता है। चल ठीक कर। जाली गिरा दी इसको। अरे जाली तेरी थी या मेरी? जी आपकी। तो फिर कोड़े तुमने क्यों मारे? बोल। मुद्राएं किस बात की देता है? मजूरी करने की देता है या वो जो है कोड़े मारने की देता है? मजूरी की। मजूरी करने की देता है। कितनी मुद्रा देता है? 5 मुद्राएं। केवल 5 मुद्राएं और वो जो है तो 8 घंटे के लिए? जी हाँ। इन्हें तो 100 मुद्राएं मिलनी चाहिए। चला क्षमा करना देवी, वो जो है तो आपको बहुत ही कष्ट हो गया। महाराज जी, क्या हमें सचमुच 100 मुद्राएं मिलेंगी? अवश्य मिलेंगी। ये काम कितने दिन तक चलेगा चाचा? जितने दिन तुम चाहोगे उतने दिन चलेगा। 10 दिन तो चलेगा ना चाचा? तुम्हारी माँ चाहेगी तो वो जो है तो 10 जन्म तक चलेगा बेटा। बेटा तुम यही ठहरो, तुम्हारी माँ अभी आती है। क्या मतलब? पूरी 100 मुद्राएं मिलेंगी केवल 1 घंटे की। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? ये रूप जलकर राख हो जाएगा और उसी राख में पतिव्रत धर्म के फूल खिलेंगे। ब्रह्म भट्ट के हाथों से आज तक कोई भी परिंदा वो जो है सो पच के नहीं निकला। एक न एक दिन अगर मैंने तेरे मुंह में कालिफ न पोत दी तो वो जो है सो मैं भी ब्राह्मण की संतान नहीं। पिताजी। अरे तुम लोग आ गए? और कितनी मुद्राएं लाए? मुद्राएं नहीं मिली पिताजी, कोड़े मिले हैं। कोड़े? देखिए ना, माँ की साड़ी भी उतरी पड़ी है।
देखें। नहीं नहीं कुछ भी नहीं। रक्त की रेखाएं। ये तो आपके तारा के गहने हैं स्वामी। ये भाव यदि गहने हैं हमारा पति होने का अभिमान छुपता है। आज हरिश्चंद्र इतना गिर गया कि उसकी विशाल भुजाओं में अपनी पत्नी की रक्षा करने की भी शक्ति नहीं रही। तारा, क्या यह हमारे लिए डूब मरने का विषय नहीं? आपकी आंखों में पश्चाताप क्या सो? रक्षा तो हमें अपने वचनों की करनी है। दक्षिणा का आधा समय समाप्त हो गया है और बाकी का आधा भी समाप्त हुआ ही समय। राम महाराज हो चुका प्रणाम। हरिश्चंद्र मैं तुझे फिर से याद दिलाने आया हूँ कि मुझे मेरी दक्षिणा मिल जानी चाहिए, नहीं तो त्रिलोकी में ढिंढोरा पीट दूंगा। यह हरिश्चंद्र मिथ्यावादी है और तब सारा संसार तुझ पर फूटेगा। दादा आकाश में थूका अपने पर ही गिरता है। तुमने इस बालक को सर चढ़ा रखा है, जब देखो हमारा अपमान करता है। बिना बुलाए जो आता है उसका अपमान ही होता है, इतना भी नहीं समझते ज्ञानी महाराज? हम तुझे श्राप दे देंगे। कभी वरदान भी दिया है दादा? रोहित ये हमारे राजा है, आप चिंता न करें, हरिश्चंद्र 30वें दिन आपकी दक्षिणा अवश्य चुका देगा। हैं? वो दिन कभी नहीं आएगा। ये संकट तू खुशी के साथ सह लेना, सदा हंसते हुए तपना लगन में, किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में। तू जल रे परवान कर प्राण की, ये भी एक लीला है भगवान की। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। लो तारा, साधना सफल हुई, हजार मुद्राएं पूरी हो गई। धूम भाग हमारी जो आज का दिन सोने का सूरज लेकर आया। हाँ माँ, भगवान ने हमारी लाज रख ली। अब आए लम्बू दादा तो मजा चखा जाओ। बड़े उछल रहे थे दक्षिणा दो दक्षिणा दो, अब आएंगे तो कहूँगा ये लो अपनी दक्षिणा और ना दो ग्यारह हो जाओ। लीजिए महाराज, नष्ट हो गई हरिश्चंद्र की मर्यादा। अब हरिश्चंद्र असत्यवादी के नाम से पुकारा जाएगा। सूर्यवंत की शोभा विधवा की तरह अनाथ हो गई। हरिश्चंद्र राम महाराज आइए आइए, हम लोग आपकी ही बात देख रहे थे। बड़े उछल रहे हो बेटे, मालूम होता है दक्षिणा का प्रबंध हो गया। आप पहले भोजन तो कीजिए, दक्षिणा कहाँ भागी जा रही है? भोजन अवश्य करेंगे परंतु दक्षिणा के पश्चात। ये तो उल्टी बात हुई महाराज। स्वामी दक्षिणा चुकाकर दिन मुक्त हो जाएगी। धन्य हो हरिश्चंद्र, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। तुम सचमुच सत्यवादी हो दानवीर। लीजिए महाराज दक्षिणा ग्रहण कीजिए, पूरी हजार स्वर्ण मुद्राएं हैं ना, अभी किन देता हूं। महाराज
क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, किसी ने हमारे साथ छल किया है। अरे पाखंडी, छल तो तूने किया हमारे साथ, मुद्राओं के स्थान पर पत्थर के टुकड़े, दूर हट। सुनिए, मैं अपने पिता के रक्त की साक्षी देकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि सूरज डूबने से पहले आपकी दक्षिणा चुका दी जाएगी। इनका होके दावा नल से टकराने चला है। अरे मूर्ख, जहाँ 29 सूर्यास्त हो गए वहाँ 30 और भी हो जाएगा। तो उसके पहले आपकी दक्षिणा आपके हाथों में होगी। और नहीं हुई तो? तो हमारा सर्वनाश भी आपके हाथ में होगा। तो ठीक, उधर सूर्य अस्त और इधर सर्वनाश। लगता है आज के सूर्यास्त के साथ साथ सूर्यवंश का सूर्य भी सदा के लिए अस्त हो जाएगा। हरिश्चंद्र का सत मर्यादा दान पुण्य मान सम्मान सब विध्वंस हो जाएंगे, सर्वनाश हो जाएगा, सचमुच सर्वनाश। दक्षिणा का प्रबंध हो जाएगा। आपको केवल वचन देना होगा कि आप मेरी बात मानेंगे। हमने तुम्हारी बात कब नहीं मानी यार। लो, हम वचन देते हैं। तो चलिए नाथ, काशी के बाजार में इस दासी को बेचकर दक्षिणा चुका दीजिए। तारा, ये तुमने क्या कह दिया? तारा, तुम हमारी आत्मा हो, तुम हमारे प्राण हो, हम तुम्हें बेच दें। असंभव, असंभव को संभव करने का नाम ही तो हरिश्चंद्र है। जो हरिश्चंद्र राज्य वैभव का त्याग कर सकता है वह अपनी स्त्री का त्याग भी करेगा। सत्य श्रोमणी हरिश्चंद्र, वचन पालक हरिश्चंद्र आज मोह माया के बंधन से मुक्त होकर रहेगा। हम पत्थर नहीं है तारा, मनुष्य है। अपने स्वार्थ पर तुम्हें बलि दे दे। ये हमसे नहीं हो, अपनी स्त्री को बेच देना, क्या यही वचन पालन है? प्रश्न बेचने का नहीं स्वामी, प्रश्न है धर्म निभाने का। एक ओर कर्तव्य है, दूसरी ओर प्रेम। एक ओर क्षत्रिय का वचन, दूसरी ओर नारी का आलिंगन। एक ओर दानवीर की परीक्षा, दूसरी ओर पति पत्नी का नियम। किसका पक्ष लेंगे आप, नाशवान तारा का या मानव धर्म का? तुम ठीक कहती हो देवी, हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र ही रहता। धन्य हो प्रभु, चलिए। आज्ञा महाराज। वो अपनी स्त्री को बेच रहा है, यह हम तुम्हें पता था। हमें ऐसी दक्षिणा नहीं चाहिए। चल हमारे साथ, अपना राजपाट ग्रहण कर। क्षमा करें राजन, सत्य के भक्त अपने वचनों से नहीं फिरा करते। जो दान दे दिया वो फिर से ग्रहण नहीं किया जा सकता। मैं अभी आपकी दक्षिणा चुकाता हूँ। पढ़े तो पाए, बाकी पछताए। दो सौ मुद्रा एक, दो सौ मुद्रा दो, दो सौ मुद्रा दो, दो सौ मुद्रा दो, ढाई सौ मुद्रा, तीन सौ मुद्रा, साढ़े तीन सौ, बोले चार सौ मुद्रा, चार सौ मुद्रा, चार सौ मुद्रा एक, चार सौ मुद्रा एक, चार सौ मुद्रा दो, चार सौ मुद्रा दो, सवा चार सौ मुद्रा, साढ़े चार सौ मुद्रा, पाँच सौ स्वर्ण मुद्रा है। महाराज, मुझे है तो बोली दीजिए ना। पांच सौ मुद्रा एक,
चिंता न कीजिए ब्रह्म ऋषि, अब मैं स्वयं बिकता हूं। नहीं पिताजी, पहले पुत्र बिकेगा फिर पिता। प्रताश, आप हमारे बीच में आए, हमें तो अपनी माँ के साथ ही बिक जाना चाहिए था। नहीं बेटे, तुम नहीं बिकोगे, तुम नहीं बिकोगे। आपको अपने इकलौते पुत्र की सौगंध, क्या आप चाहते हैं आपके पुत्र की प्रतिज्ञा झूठी पड़ जाए? काशी के सज्जनों, इस बालक की बोली लगाइए। 50 मुद्रा, 50 मुद्रा, ये घुंघराले बालों वाला प्यारा खिलौना, 50 मुद्रा है, 50 मुद्रा है, 75 मुद्रा, 100 मुद्रा, 200 मुद्रा, 125 मुद्रा, 125 मुद्रा, 125 मुद्रा तो। दासी, हमसे तुम्हारा ये दुख नहीं देखा जाता, वो जो है हम इस बच्चे को भी खरीद लेते हैं। दो सौ मुद्रा, 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 तीन। लो बेटे, चलो देवी। सज्जनों, अब किस दास की गोली लगाई है? आज अपने कुल पुत्र की रक्षा कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। कहा हो भैया, दास की कथा है ये? दास जरा हमारा तो देखी, हाय आदमी तो हट्टा कट्टा हुआ। कादाम भा 300 मुद्रा। ओ 300 मुद्रा, हम कोई बनिया थोड़ा ही है जो दाम के नोक झोंक करी। लो बेटा 300 मुद्रा है ना। चला महाराज, दक्षिणा लेकर दास को कृतार्थ कीजिए और जो कष्ट हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। टूट गई है माला, गई है माला, मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने की।
बिखर चले, टूट गई है माला। मिलन की दुनिया छोड़ चले ये आज विरह में सपने, मिलन की दुनिया छोड़ चले ये आज विरह में सपने, खोए खोए नैनों में हैं उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने, याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले, टूट गई है माला। अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते, अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते, जैसी इनते बीती वैसी और किसी पे न बीते, और किसी पे न बीते, कोई मत पूछो इन्हें कि ये किस डगर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले, टूट गई है माला, मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। मैं कहूँ मेरे लिए लाए हो या अपने लिए, आते के साथ ही हो जो है तो युद्ध छेड़ दिया तूने। अरे बाबा तेरे लिए लाया हूँ। मेरे लिए लाए होते तो कोई हट्टी कट्टी पहलवान औरत लाए होते, ये महारानी क्या खाक काम करेंगी, शक्ल तो देखो जैसे चांद पर ग्रहण लगा हो। त्योरी पहले कहीं काम किया है? हाँ किया है जी। नहीं तो फिर यहाँ क्या मेरी सास बनने आई है? ये पंडितवा मुझे भरतरानी बना दो, तुझे पटरानी। शब्द मुंह से ना निकाली, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। अरे दूर हट, गंगा स्नान करके आई हूँ, मेरा धर्म भ्रष्ट न कर, कुल अच्छी नहीं कहेगी। अरे बस भी कर, जब इसे ही घर में बिठाना है तो मैं चली अपने मैके, मैं अपनी छाती पर मुंह नहीं दलवाऊंगी। हाय हाय सत्यानाश जाए सा, मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। अरे पंडितवा पंडितवा तेरा तो हवा सत्यानाश जाए, मेरे जीते जी सौत लेकर आया है। हे भगवान मैं लुट गई बर्बाद हो गई। दुरहट ये नखरे किसी और को दिखा, मैं देखती आंखों मक्खी नहीं निकल सकती। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हम आपको नहीं जाने देंगे। मुझे कोई नहीं रोक सकता, ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगी। मैं कहती हूँ हट जा। नहीं नहीं हट जा, कभी नहीं। आप मुझ पर कलंक लगाकर इस तरह नहीं जा सकेंगे। अरे अब हट भी जा, वो जो है तो जाने दे। तुम मुझे जाने को कहते हो? हाँ, नहीं। अब तुम मुझे जाने को क्यों नहीं कहोगे? मैं बाप के घर सड़ू और तुम यहाँ गुलछर्रे उड़ाओ। अरे पंडितवा मैं तुझे अच्छी तरह समझती हूँ, जा जा। नहीं जाती हूँ, मेरा घर है, किसी के बाप की धौंस नहीं है। और तू कान खोल कर सुन ले रही, मेरे मर्द की तरफ ताक झांकी तो आंखें फोड़ दूंगी। ऐसी भूल कभी नहीं होगी मालकिन, और फिर पर पुरुष का ध्यान करना तो सपने में भी वर्जित है। अरे रहने दे अपना उपदेश, मैंने तेरी जैसी जादूगरनिये बहुत देखी है। मेरा बाप भी मूठ मंत्र जादू टोना सब जानता था। तब तो मालकिन तुम भी जंतर मंतर जानती होंगी, एक दो हमें भी सिखा दो ना। लो और सुनो, दासी लाए तो लाए, ये बिगड़ेल बछेड़ा कहाँ से उठा लाए।
उल्टा अनाज खा खा कर घर बिगाड़ेगा। अरे कहीं इसकी भी तो मुद्राएं नहीं दे दी। अरे मेरी लच्छोरानी, आज 12 बरस होगा शादी को। वो जो है तो एक पला पलाया राजकुमार लाया हूँ, तो कोसी जा रही है, कोसी जा रही है। अरे शर्म करो, मेरे सामने तो आंखें ना लड़ाओ। अरे महामाया महाकाली, मैं जा रहा हूँ। वो जो है तो, और तू सर नीचा किए हुए मेरे आंगन को क्यों नजर लगा रही है? सुन री, और भाई मुर्गे की बांग उठना होगा, आटा पीसना होगा, घर में झाड़ू लगानी होगी, कपड़े धोने होंगे, रसोई बनानी होगी, उपले थापने होंगे, बस तेरे लिए इतना ही काम बस है। जी माँ। और सुन रे छोकरे, तू अभी छोटा है इसलिए तुझे थोड़ा ही काम देती हूँ। तेरी माँ के साथ ही उठ जाना, मेरा मुँह हाथ धुलाना, खाना खिलाना, पूजा के लिए फूल लाना, जूते साफ करना, और फिर घर का छोटा मोटा सब काम करना, बस। छोटा काम तो कर लूंगा मालिकन, मोटा नहीं होगा। तो वो कौन तेरा बाप आकर करेगा? हमारे बाप का नाम क्यों लेती है? क्या तुम्हारे बाप नहीं है? तुम बिना बाप क्यों? बड़बड़ मत कर, बड़ा आया बाप वाला हरिश्चंद्र का बेटा। यहाँ रहना है तो सभी काम करना होगा। मेरा मर्द खरीद कर लाया है, कोई हंसी ठट्ठा नहीं है। चलो शुरू करो काम। जाने कहाँ से निठल्लू मेरे भाग्य में आ पड़े। अरे सुनते हो, कुछ जात पात भी पूछी के उठा रहा है खड़ा गला पूरा कचरा। बेटा सामने बोलोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। माँ हमने तन बेचा है, इज्जत तो नहीं बेची है। स्वामी की सेवा करने में ही दास दासियों की इज्जत है बेटा। तुम दास दासी नहीं रहेंगे माँ। ये डाइन हमें माता पिता की गाली सुनाते रहे और हम सुनते रहे। चलो माँ यहाँ से भाग चलो, पिताजी के पास चलो माँ। पिताजी के पास? छी छी, ऐसा सोचना भी पाप है। हम बिक चुके हैं बेटा। अरे सामने सामने, है देखे तो तेरे बदे का लाया है। तैयारी ये कौन हुआ? तोरे बदे चाकर लावा है। ए हट्टा कट्टा। तैयारी तैयार, ये चाकर हो? ये तो राजा लगत है राजा। अभी राजा तोरे घरे झाड़ू लगाई है, लकड़ी लगी है और तोरे बदे पानी भरी है। तू तो कौन विपत्ना इस खुजत के हाथ पड़ी गवा हो? ये यम का अवतार है, तो से काम लई ले के मार डारी है। आदमी काम से नहीं मरता मालिकिन। काम से नहीं मरत तो काहे से मरत? काम चोरी से, काम चोरी से आलस का विकास होता है, आलस से अनीति, अनीति से अनर्थ, अनर्थ से असत्य, असत्य से अधर्म और अधर्म से मनुष्य का विनाश होता है। तुम तो बहुत बड़ा विद्वान जान पड़त हो, का नाम है तुम्हार? हरिश्चंद्र। हाय मैं बारी जई हूँ, तुम तो साक्षात राजा हरिचंद लगत हो, नेक चरण छू। अरे ही का कर रखा है रे, हमारे हाथ पर आए पुरुष के पांव छुआ था। ये कोनो रकम पुरुष नहीं होई रे डुंगवा, ये तो कोई शराब घृत देवता हुई। हम तो एक ही रोज पूजा करी पे। हम तो एक ही रोज पूजा करी पे, एक पहले हम तुहार पूजा ना करा था। दाढ़ी चार की नाती की आंखें निकाल ले पे, हम तो फाजा तोड़ दे पे। का कहा थेरी? अरे हम तो हड्डी के हलवा बना के खा जा, हम तो कपाले फोड़ दे, अरे हम तो चमड़ी के चटनी बनाए तो चाट जा। नीच बुद्धि खुजट। अरे ससरी हम का गाली निकाला था, अरे हम तो का जाने से रात दे। बप्पा रे बप्पा, तू हम का कम का बता, और हम तो हर छोट भी जाए खून। हम तो जाओ भी जाए थी। लहू पी गए, अरे हम जिस दास के हाथ ही मालिकन में झगड़ा हो जाए उस दास की जीने पर धिक्कार है। मुझ पे वार कीजिए मालिक, मुझ पे वार कीजिए। तो का मार के का पाप कमाई दे, नरक में जाए दे। हम का मार के पुण्य कमाई दे, सरग में जाए दे। शांत शांत मालिक शांत। नहीं मालिकन, पति परमेश्वर का रूप होता है, आपको ये व्यवहार शोभा नहीं देता, फेंक दीजिए ये शस्त्र।
कहीं नहीं। अरे तू खड़ा खड़ा कहा देखा था धर्म की खातिर बिक गया राजा बिक गई देखो रानी ये अमर रहेगी कहानी ये अमर रहेगी कहानी हंसते हंसते रख दी इन्होंने ज्वाला में जिंदगानी ये अमर रहेगी कहानी ये अमर रहेगी कहानी अपनी झोली दुख से भर ली सुख दुनिया को बांटे सारे जग को फूल लुटाए खुद अपनाए कांटे खुद अपनाए कांटे धन्य है अपना देश की जिसमें जन्मे ऐसे प्राणी ये अमर रहेगी कहानी ये अमर रहेगी कहानी धर्म की खातिर बिक गया राजा बिक गई देखो रानी ये अमर रहेगी कहानी हस तारामती सती ने झेली दुख की ज्वाला कठिन काल के झोंके सह कर भी पति का प्रण पाला पति के प्रण को पाला पर जब आती याद पिया की नैन से झरता पानी ये अमर रहेगी कहानी ये अमर रहेगी कहानी धर्म की खातिर बिक गया राजा बिक गई देखो रानी ये अमर रहेगी कहानी राज बिछोड़ा देश बिछोड़ा लेकिन सत्य न छोड़ा हरिश्चंद्र ने दुख के पथ पर जीवन का रथ मोड़ा जीवन का रथ मोड़ा पत्नी बिछड़ी बेटा बिछड़ा फिर भी हार न मानी ये अमर रहेगी कहानी ये अमर रहेगी कहानी धर्म की खातिर बिक गया राजा बिक गई देखो रानी ये अमर रहेगी कहानी ये अमर रहेगी कहानी आज तो सारा देव मंदिर सावन के बादलों की तरह बदला रहा क्या किसी तपस्वी की तपस्या खंडित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है देव मंदिर हरिश्चंद्र से बड़ा और कौन तपस्वी होगा मुनिराज धन्यवाद आपने हरिश्चंद्र को तपस्वी तो माना आपके उसी सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र और पत्नी को पेश डाला स्वयं चांडाल के घर पी गया उसका सर्वस्व स्वाहा हो गया
अन्न का दाना स्वाहा होकर ही यज्ञ का पवित्र धुआं बनता है। हरिश्चंद्र अमर हो गए। मति मारी गई है तुम्हारी नारद, नीच कर्मों से उसकी कीर्ति नष्ट हो गई, धर्म भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट तो आपकी बुद्धि हो गई। हरिश्चंद्र ने आपको सुपात्र समझकर दान दिया, वही राज आपने एक सुपात्र को सौंप दिया। आपका शिष्य अनंतपाल रक्षक से भक्षक बन गया। वाह हरे ब्रह्म रुचि वाह, सच्चे को झूठा ठहराकर अपना जीव बहलाते हो, क्रोध कपट की छुरी चलाकर ब्रह्म ऋषि कहलाते हो। नारा ना कहो चंद्रमणि, अब कैसी हो? कैसी पहले थी? इन शासनों में भी वही घमंड, अब भी कहना मान जाओ और हरिश्चंद्र के राजमहल को अनंत पाल का रंग महल बना दो। ये राज्य महल तेरा मरण महल बनेगा। यहाँ की दीवारों ने शक्ति पुत्र हरिश्चंद्र को राजा माना है, तो जैसे कायरों को नहीं। सिपाहियों ले जाओ इसे और डाल दो कारागार की कोठरी। ये सब कुछ मुझसे निसाह जाता है। लाओ मैं कूट देता हूँ। सासी के होते हुए आप क्यों कष्ट करेंगे? कष्ट क्यों ना करूँ, वो जो है तो तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। पर आई स्त्री से इस तरह बातें करना ठीक नहीं है। आप कृपा करके चले जाइए। घड़ी भर के लिए तो वो दुष्टा तुम्हें छोड़ती है, उस समय भी चकोर अपने चांद से न खेले, ऐसा नहीं हो सकता। लाओ लाओ, हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं ओ, अब मुझे देखकर क्यों नाटक कर रही है? जब ही मैं कहूँ कि ये कर्कशा इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही थी, मेरे पंडितवा को बुलाने का बहाना कर रही थी। चूड़ियाँ फूटे तेरी। बस करो मालकिन, ऐसा शाप मत दो। यदि कोई आपको ऐसा कहे तो मेरी चूड़ियाँ फोड़ने में तूने कसर ही क्या रखी है? मेरे पंडितवा को फंसा कर अब मुझ पर ही सरजोरी। बोल, मेरा पंडित तेरे पास क्यों आया? अरे मालकन की बच्ची, तो क्या तेरा मतलब है कि मैं स्वयं ही चला आया? अरे तूने ही तो कहा था कि पंडिता इन चुड़ैल घर में नहीं है, चले आओ। और आते के साथ ही वो जो है तुम मुझे पकड़ लिया। हे भगवान, हे भगवान की सौत, जाने कहां कहां का पाप लेकर मेरा घर भ्रष्ट करने आई है। नीच चंडालिनी कलंकिनी, चलो जी निखट्टू, चलो। तो कहती थी रास्ता चलने वाले को भगवान कोई दुख नहीं देता, फिर हमें इतना दुख क्यों हो रहा है माँ? क्या भगवान झूठा? नहीं बेटा, भगवान झूठा नहीं है। फिर कौन झूठा है माँ? तेरा मन जो भगवान को झूठा कहता तो नास्तिक हो गया। नास्तिक क्या होता है माँ? जो भगवान को नहीं मान, धर्म को नहीं मान। तब तो ठीक हुआ माँ, मैं भी भगवान को नहीं मानूंगा और तुम भी मत मानो। उस पिताजी से भी कह दो वो भी नहीं माने। रोहित। हाँ माँ। फिर हमें धर्म से सबसे सबसे छुट्टी मिल जाएगी, फिर हमें कभी दुख नहीं होगा माँ। क्या आज मेरा बेटा इतना पतित हो गया है जो भगवान को नहीं मानेगा? तू कहाँ से आए? मैं कहाँ से? तेरे पिता कहाँ से आए? मैं कुछ नहीं जानता, मैं भगवान को नहीं मानता। ये तुझे आज क्या हो गया है? क्या पागल हो गया है?
मारो माँ, मारो। दिन में मालिकन मारती है, रात में माँ नहीं मारेगी तो और कौन मारेगा? बेटा, भगवान हमारी परीक्षा लेता है। हम कंगालों के पास यही तो एक धन है, मेरा प्यारा बेटा। अरे हरिया, हम अपनी जान देते पर आज तक नहीं जानते। प्यार तो बिना हिजाब का है, हम तक कोई तो चाकर है, जी हम बैठे बैठे तो चाकरी करी। अरे हम तो के पते शराब का प्याला खूब पिलाई दे, हम तो के पते नचे गए हैं, जो तू कहिए सो करे। निर्दय आज ना जा, आज ना जा, तेरे सामने से आज ना। संज्ञा हुई नहीं कि ये जंतु जाने कौन फुलझड़ी के पास जावत रहा, कहाँ मारती लहिन का, कहाँ जवान नहीं का। अरे हम तो जुआगन होती विधवा रही। नहीं मालकिन, ऐसा न कहो मालकिन, ऐसा न कहो। हरिया, मेघम के चेहरे की पुरिया लाई दी, हमें जीवन का अंत करनी। नहीं मालकिन, सेवक का धर्म मालिक के लिए जहर लाना नहीं है, सेवक का धर्म है मालिक के जीवन में अमृत की वर्षा करना।
जिसमें त्याग भरा परमार्थ भरा ओ मस्ती में झूमने वालों तुम जीवन जीना सीखो अमृत स्वयं मिले तुमको पहले विष पीना सीखो जीवन है वरदान प्रभु का जीवन है एहसान प्रभु का अच्छे कर्म करो रे प्राणी है अनमोल बड़ी जिंदगानी अरे अरे खाकर खा जल्दी करे जल्दी देखा बैठल बैठल हरामे के खाता है नेक मेहनत में दिल ना ही लागत अरे तू घर के काम काज के लायक ना ही दिल और आगे से नगर के महिला खाप कर बचो बचो देव बचो माता बचो बचो भाई बचो ले, खाए ले। मुनाफ़न में साथ आएगा वह। भूख का मारे तेरी जान निकसत रही। हाय कोई दाता, भूखी कौन देने वाला? तीन दिन से भूखी हूँ। एक दाना मुंह में नहीं गया है। ले बाबा, कोई देने वाला है? लो माता। नेक ठहर जा हम तो का बदे और रोटी लावत है ले खाई मेरी चिंता नहीं करो मालकिन मैं तो दरिद्र नारायण के दर्शन से ही तृप्त हो गया तो मैं चला आ गया हमारा थरुआ है जैसे ये छतवी हम लावा अठवी है मर
गालियां देती है ना, हाँ। उतनी अगर माला फेरे तो वो जो है तो तेरे साथ मेरा भी कल्याण हो जाए। कल्याण तो आज मैं इनका करके रहूंगी। अरे सुनो रे माँ बेटो, आज मेरे बाप का श्राद्ध है, संध्या को पूरे 100 ब्राह्मणों का भोजन है। ये सब सामान तुमको बनाना होगा। 20 शेर की पूरियां बनानी होंगी, 5 तरह की मिठाइयां, 4 तरकारियां, रसगुल्ला, जलेबी, गुलाब जामुन, ये सब तुमको बनाना होगा। पूरियां कच्ची न रखना, पूरे 20 शेर की पूरी हैं। अरे हाँ, और आटा नहीं है, वो याद रख, तुझे पिसता होगा। मैं गंगा घाट पिंड दान देने चाहती हूँ। लेकिन माँ को तो आज बुखार चढ़ा है मालिकन। बुखार चढ़ा है, कोई मौत तो नहीं आई है? मेरे आने तक सब सामान तैयार रहना चाहिए। यदि कुछ भी बाकी रहा तो तुम दोनों की हड्डी पसली तोड़ दूंगी। माँ, जब तुम बीमार हो तो इतना काम कैसे करोगी? तुमने मना क्यों नहीं कर दिया? दासी को मुंह खोलने का अधिकार नहीं होता बेटा, और फिर काम से मुंह फेरना तो हमारा धर्म भी नहीं है। चलो काम शुरू करें। ये सब काम कैसे होगा? 100 ब्राह्मण की रसोई कैसे बनेगी?
लिया। सुबह से एक लकड़ी ना है काटे का। अरे बोलत का है नहीं हलवा का साफ सुन गवा। न जाने मालिक किस माया के बल से ये कटी हुई लकड़ियां फिर से जुड़ गई। झूठ बोलत मम्मी का है नहीं कहा था कि हमारी महरूम के क्यों पाए क्यों काम छोड़ होगा वहां। नहीं मालिक मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ मैंने अपने हाथों से काटी ये सब। हमारी झूठ सौगंध खाकर हम तो हद की पत्नी तोड़ दे। अरे हम तो है छोड़ो नहीं समझे हम तो है कफारत छोड़ दे। आ गया मालिक चक्कर आ गया वाला वा खराब कमींदा कुत्ता। तू घर के काम के लायक ना ही रह तो ये बात से एक एक काम है ये जा स्मशान था कफन ले अब करे रसूल कर। अरे उठे थलवा की नहीं जा जा यहां से गया मरघट के जाल में।
हरिश्चंद्र, देखता हूं अब तुझे कौन बचाता है। नारायण नारायण, बचाने वाले को किसने देखा है ब्रह्मऋषि? उसके हाथ बड़े लंबे होते हैं। क्या मतलब? सर्वज्ञानी होकर इतना भी नहीं समझे आप? हरिश्चंद्र के लिए कहां कहां की राख नहीं छानी आपने? धर्मलोक, अधर्मलोक, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, यहां तक कि कुकर्म लोक तक धक्के खाए आप। लेकिन वाह रे हरिश्चंद्र, न तब दिगा न अब दिगा। तो अब दिगेगा मुनिराज। क्या कोई और भी लोग बच गया है? अवश्य बच गया है नारद, परंतु हम आपको बताने वाले नहीं। इस बार हरिश्चंद्र का पतन निश्चित है। नारायण बिना कर दिए कोई मुर्दा नहीं जलाने पावे। आप कौन हैं? भूत। क्या चाहते हैं आप? तेरा सत, तेरा त्याग, तेरा धर्म। मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ, सत्य मेरा कवच है, धर्म मेरी ढाल, त्याग मेरी तलवार। मैं अपने शस्त्र कभी नहीं छोड़ सकता। मैं तेरा सब खंड खंड कर दूँ। जय सत्य। मैं तेरे त्याग को पाताल पहुंचा दूंगी। जय त्याग। मैं तेरे धर्म की अर्थी सजा दूंगा। जय धर्म। छोड़कर तुझे देखती जाऊं मेरा मिट्टू। नहीं नहीं, इस गाल नहीं, ये पिताजी का गाल है। माँ, पिताजी किधर हैं? क्या हम उनसे कभी नहीं मिल सकते? ऐसा ना कहो बेटा, मैं तुझे उनसे मिला दूंगी। पहले अपना काम करो, जाओ फूल तोड़ के लाओ, जाओ। तू पिताजी से मिला दोगी ना? हाँ। आज दास पर कैसे कृपा की? सुनकर कर्तव्य विमुक्त तो नहीं हो जाएंगे? महाप्रभु धन्य होऊंगा। तो सुनिए, आपको इसी समय हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास्त्र के प्राण हरने होंगे। Thank you.
कौन सा पहाड़ फटफड़ा, सांप का काटा 24 घंटे नहीं मरता। क्या काम करो अपना, आज के दिन क्षमा करो पंडिताई, मेरा बच्चा तड़प तड़प कर मर जाएगा। तो तू कौन सी काल बेलिया है जो अपने जंतर मंतर से मरे हुए को जिला लेगी? जाने दे उसे, हत्यारण। तू माँ की ममता क्या जाने, बाज कहेगी। इस छिदामी के लिए तुमने मुझे बाज कहा, अब तो नहीं जाने दूंगी। कल नहीं जाने देगी, उसके कोख में आग लगी हुई है और तू कहती है कि मैं उसे नहीं जाने जाने दूंगी। हट जाओ। बेटा, मेरे ही कर्म फूटे थे जो मैंने तुझे फूल तोड़ने भेज दिया। हे ईश्वर, मेरे बच्चों को बचा ले, मुझे उसके प्राणों की भीख दे दे। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तुम कहाँ हो? मैं तो यही हूँ तेरे पास मेरे बेटे। मेरे फूल से बच्चे को किस बैरन की नजर खा गई रही, और मैं क्या करूँ? मेरा गला सूख रहा है माँ, मेरी सांस रुक रही है माँ। माँ, मैं पिताजी के दर्शन नहीं कर सका। हे परमात्मा, मैं इसके पिता को क्या मुंह दिखाऊंगी? ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? माँ, इस नालायक बेटे को क्षमा करना माँ। और पिताजी मिले मेरा प्रणाम कहना। वो देखो मुझे कौन लेने आया, मैं जा रहा हूँ माँ। ऐसा न कह बेटा, तेरी बलाएं मुझको लग जाए, मैं भागन किसका मुंह देख कर जीऊंगी। मैं जा रहा हूँ माँ, मैं जा रहा हूँ माँ। मेरे जीवन के उजियारे, मेरे एकमात्र अवलंब, कौन मेरे जो तेरी दस लगकर ठंड पहुंचाएगा? कौन मेरी ममता की देख रखेगा? ठहरो रे जमदूत, तो मेरे फूल से बच्चे को आके लपटों पर न सुलाओ। जो फूलों से खेलता था वो अंगारों से क्या खेलेगा? हे भगवान, ये कैसी लीला, कैसा न्याय! मेरे रक्तन, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। जाने
सावधान। कौन हो देवी? एक दुखियारी माँ। कौन मर गया है? मेरा एकमात्र सहारा। भगवान से बढ़कर कोई सहारा नहीं है देवी। उसी ने ये दिन दिखाया, माँ बाप के रास्ते इकलौता पुत्र छीन लिया। ये कर्म भूमि है देवी, यहाँ विलाप उचित नहीं। पुत्र का संस्कार करो और कर्म मुक्त हो जाओ। पिता के होते क्या ये कर्म आपको करना होगा? कौन है इसके पिता? जो कभी सम्राटों के सम्राट थे। और आज? आज भी जिनके नाम से सूर्य की प्रखरता, चांद की शीतलता, आकाश की गंभीरता और पृथ्वी की सहनशीलता है। उस महापुरुष का नाम? हरिश्चंद्र। तो क्या ये रोहित? हाँ नाथ, मैं आपकी धरोहर नहीं संभाल सकी। रोहित मर गया नाथ, आपका रोहित मर गया। नहीं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे कान फट क्यों नहीं जाते? मेरी आंखें फूट क्यों नहीं जाती? स्वामी, मरते समय इसकी आंखें आपके दर्शनों को तरसती रही, इसने आपको बहुत याद किया। कहा मैं पिताजी का दर्शन नहीं कर सकता, मेरा प्रणाम कहना। रोहित, रोहित मेरे बच्चे, मेरे लाल, मैं तुझे जीते जी सीने से न लगा सका। आज मरने पर ही मैं तुझे प्यार कर लूं। ये मैं क्या कर रहा हूं? उठा लीजिए नाथ अपने रोहित को, एक बार प्यार कर लीजिए। नहीं, ये प्यारे पुत्र को एक बार गले से लगा लीजिए। नहीं तारा, नहीं 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 नहीं, रोहित ब्राह्मण सेवक है और मैं चंडाल का दास। जब जीते जी उसे छूकर अपवित्र नहीं किया तो शव छूकर उसका परलोक क्यों बिगाड़ू? क्या आप उसके पिता नहीं? क्या ये आपका पुत्र नहीं? क्या पुत्र की अंतिम क्रिया करना पिता का धर्म नहीं? वो धर्म कर्तव्य के हाथों बंधा हुआ है देवी। अब हम पहले चंडाल हैं, फिर पिता। कर लेना हमारा एकमात्र धर्म रह गया है, तुम भी कर चुका कर पुत्र के शव को अग्नि दो। कर चुका हूँ, कहाँ से कर चुका हूँ? अब इस भिखारी के पास रह क्या गया है जो कर चुका है? सुन लो पुत्र की माता, कर ये बिना तुम पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं कर सकोगी। ऐसा न कहिए स्वामी, इतने कठोर न बनिए। हरिश्चंद्र नियम भंग नहीं कर सकता, कर लिए बिना मुर्दा जलाने की आज्ञा नहीं दे सकता। तब क्या चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र का राजपुत्र रोहित आशु बिना चले ही रहेगा? शमशान की गोद में क्या सम्राट पुत्र और क्या कंगाल पुत्र, सभी समान है। कर नहीं मिलेगा तो शव नहीं जलेगा। क्या आप कर दे सचमुच पुत्र प्यार से शून्य हो गया है? आज आपके दरबार में एक बेकफन मुर्दे की माँ हाथ जोड़कर पुत्र दाह की भीख मांग रही है। आप दानवीर हैं, एक माँ की झोली भर दीजिए। हमारे खैर को विचलित करने का निष्फल प्रयत्न न करो। हम राज्य छोड़ सकते हैं, धन धान्य पुत्र परिवार छोड़ सकते हैं, लेकिन मरघट की मर्यादा को कभी नहीं छोड़ सकते। धन्य हो प्रभु, एक वो भी दिन था जब आपके पुत्र के पांव में एक छोटा सा कांटा चुभ गया था। आप परेशान होकर भागे भागे चले आए थे। आज वही लाडला रोहित आपके तनिक से दया के लिए तरस रहा है। ये सब पिछले जन्म की बातें हैं, इन्हें भूल जाओ। कफन नहीं दे सकती हो तो उठाओ इस मुर्दे को और चली जाओ। चलीजिए स्वामी,
आज एक पत्नी अपने पति के निष्ठुर कर्तव्य पर अपनी लाज अपना शील न्योछावर कर देगी। अखंड रहे आपका धन, दसों दिशाओं में गूंजे आपका यशगान। ये लीजिए इस अभागन माँ के अभागे पुत्र का कफन, लीजिए शमशान नाग लीजिए। बक्षनी को वध स्थल पर पहुंचा दिया जाए, हम उसे प्राण दंड देते हैं। मुझे बुलाया स्वामी। अरे अरे हरिया, तू बाल भक्षणी पकड़वा में आई गई। काशी नरेशु का मृत्यु दंड दिए रहा, इले आपका पत्थर घोर भयु का वध कर दी है। क्या जो आज्ञा। अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करो। सिर झुकाए क्यों खड़ी हो? दूध मुए बच्चों का रक्तपान करते हुए जब लाज नहीं आई, अब मुंह खोलते हुए क्यों लज्जा लग रही है? चुप क्यों हो? उत्तर दो। तारा। हाँ स्वामी, बाल भक्षणी तारा। नहीं नहीं, हरिश्चंद्र के सत्य का तेज तारा, हरिश्चंद्र के पुण्य का प्रताप तारा, हरिश्चंद्र के धर्म की ध्वजा तारा, वही तारा आज बाल भक्षणी के आरोप में। यह हमारा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? ये मेरा सौभाग्य नहीं तो और क्या है कि मैं अपने पति के हाथों मरकर स्वर्ग की अधिकारिणी बनूंगी। राजा के का पालन कीजिए स्वामी, पुत्र योगिनी तारा को भवसागर से मुक्त कीजिए। तुम्हें मुक्त कर दे फिर क्या बच रहेगा हमारे पास जिसके बल पर हम जी सकेंगे? राज्य छूटा, पुत्र लूटा, अब यह अंतिम आसरा भी टूटा। ये क्या विडंबना है भगवान, ये क्या विडंबना है? भवसागर के झूठे बंधनों को तोड़ दीजिए स्वामी, चलाइए आरा और इस अभागन को दंड देकर अपना मुख उज्ज्वल कीजिए। संसार ये न कहे स्वामी कि तारा एक निर्बल की पत्नी थी बलवान की नहीं, एक कायर की पत्नी थी वीर की नहीं। बस करो तारा, बस करो। राज नियम के अनुसार अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करो। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मरने से पहले माथे पर चढ़ाने के लिए मुझे अपने पति परमेश्वर की चरण धूल मिले। कर्म? ये कर्म नहीं, कुकर्म है। मेरे लिए सुकर्म है। तो बता, क्या तेरे पूर्वजों ने कभी स्त्रीवत किया था? कभी नहीं।
आज से न तू क्षत्रिय रहा और न सूर्यवंशी। यदि तुझे स्त्री हत्या करनी है तो पहले अपने धर्म और वंश का त्याग कर, अन्यथा छोड़ इस चक्र को और उतार जा नीचे। विचलित न होइए स्वामी, अपने कर्तव्य को गति प्रदान कीजिए। ब्रह्म ऋषि, कर्तव्य और स्वामी भक्ति के लिए हरिश्चंद्र धर्म और वंश दोनों का त्याग कर देगा, तब तुझे अधर्मी घोषित कर दिया जाएगा। मुझे स्वीकार है, धर्मराज अपने अनुचर का अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। किंतु क्यों? क्योंकि धर्म से ऊंचा है कर्तव्य, और कर्तव्य के लिए आज मैं आपका त्याग कर रहा हूं। जो आप जा। रक्षा करो, सत्यवादी हरिश्चंद्र के पश्चात संसार में मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। पृथ्वी लोक से मेरा नाम उठ जाएगा, सूर्य चंद्र टूक टूक होकर गिर जाएंगे, संसार पाप का सागर बन जाएगा। मुझे बचाइए खबर, मैंने तो हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी। ऋषि विश्वामित्र, अब भी कोई कुचक्र बच गया है तो चलाइए। नहीं नारद, आज हरिश्चंद्र का सत्य जीत गया और हम हार गए। तब खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हैं? आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं हार गया तो अपनी 60,000 वर्षों की तपस्या हरिश्चंद्र को अर्पण कर दूंगा, तो फिर लगे हाथों कर दीजिए अर्पण। सोच क्या रहे हैं? क्या छठी का दूध याद आ रहा है ब्रह्म ऋषि?
अर्पित कीजिए ऋषिराज। प्रिय हरिश्चंद्र, तुम हमारी अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तुमने ये प्रमाणित कर दिया है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, कर्तव्य से ऊंचा कोई कर्म नहीं, एवं त्याग से श्रेष्ठ कोई तप नहीं। तुम धन्य हो, और धन्य है सती तारामती, जिसने पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लिया। धन्य है रोहित, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि माता पिता की सेवा ही पुत्र का परम कर्तव्य है। हम आशीर्वाद देते हैं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक तुम्हारे सत्य की अखंड ज्योत पृथ्वी लोक को प्रकाशित करती रहेगी। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों।